गोला थाना क्षेत्र के ग्राम सभा रामा मऊ के राम जानकी मठ से 29-30 सितंबर की रात्रि में हुई भगवान श्री राम सहित कुल 11 मूर्तियों की चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए सभी 11 मूर्तियों को बरामद कर लिया है तथा घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके 5 साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बढ़लगंज थाना क्षेत्र निवासी संगम निगम पुत्र सुरेश चंद्र, महुआपार निवासी पंकज शाही पुत्र दिनेश प्रताप शाही, गोला थाना क्षेत्र निवासी सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू गदू पाठक पुत्र मनीष पाठक, अभिषेक उर्फ पुष्कर यादव पुत्र राम आशीष यादव शामिल हैं, जबकि चंदन राय, मयंक दुबे, गोलू शाही, नितेश यादव और विशाल अभी भी फरार हैं। कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस ऑफिस में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों को चोरी की मूर्ति को बेचने के फिराक में थे, तभी मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इन्हें गोला थाना क्षेत्र के बरहो पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया। इसलिए श्रीराम चंद्र जी जी अप्रिशिएट कर पाए, ये बता रहे हैं कि एक मूर्ति को लेके भी गए थे सुनार जहाँ इतना हो गया, वहाँ पर एक्सेस बहुत आसान था, मतलब जो उसका लॉकिंग सिस्टम था वो बहुत नीट टाइप लॉकिंग सिस्टम था, उसको आराम से हम बोल सकते थे। उन्होंने क्योंकि कहीं पास किए तो उसको पूरी तरह रेडी कर दिया, उसके बाद ये घटना था। इससे पहले भी कभी इन सबों ने मंदिर में छोड़ी नहीं, इनमें से किसी ने मंदिर में नहीं किया, लेकिन चंदन का इतिहास जो है जीत का उसके अभियुक्त अलग थे। नहीं, अभी जो हनुमान जी की मूर्ति मिली थी वहाँ पे, जिसे फिल्टर ने क्राइम ब्रांच को सौंपा था, उसका क्या हुआ? वो तो एएसआई को हम दे रहे हैं, एएसआई विल वेरीफाई कि क्या है क्या नहीं है। ग्राम रामाऊ पड़ता है, यहाँ पे राम जानकी मठ से लगभग 11 मूर्तियाँ रात्रि में चोरी हुई थी। इस घटना का अनावरण करते हुए कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो घटना में अभी तक जानकारी हुई, इस घटना के अंदर टोटल 9 लोग थे, जिनमें से 4 को गिरफ्तार किया और 100% जितनी भी सामान चोरी गया था उसकी रिकवरी की गई है। घटना का मुख्य रूप से जो मेन कॉन्स्पिरेटर था, जिसने पूरी घटना प्लान की थी, वो चंदन राय, जो कि लूट और चोरी की घटनाओं में पहले भी जेल जा चुका। इनके कुछ साथी जो भी साथी थे वो एक ही आसपास के रहने वाले थे, पूर्व से परिचित थे। चंदन ने इस घटना को प्लान किया। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर पूर्व में मुकदमे हैं। संजय निगम इसके अंदर चोरी के अंदर जेल जा चुका है। पंकज शाही जो है ये भी वहीं का रहने वाला है और ये इसलिए इस चीज़ के लिए तैयार हो गया कि इसके ऊपर कर्जा बहुत था। उनका प्लान ये था कि इन मूर्तियों को हम लोग सेल करके पैसा लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट अगली घटना को भी इन्होंने प्लान करने का वो किया था। इसके पहले कोई घटना इनके द्वारा की गई है कि नहीं, अभी कन्फेशन इनके द्वारा नहीं किया गया है। हम लोग इनको PCR पे लेंगे और साथ ही साथ जो बाकी शेष व्यक्ति हैं उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और जो गिरफ्तार करने वाली टीम है उनको मेरी तरफ से रिवार्ड भी दिया। कितनी मूर्तियाँ बरामद की? टोटल 11 मूर्तियाँ चोरी गई थी, टोटल 11 ही रिकवर कर ली गई। ये इन्होंने बताया कि इसी घटना के अंदर एक अभियुक्त था जिसका नाम इन्होंने बताया नितेश करके, वो इस उनमें से एक मूर्ति को बेचने के लिए लेके गया था, लेकिन वहाँ पर उसको ये बताया गया कि ये सोने की नहीं है, ये किसी और धातु की मूर्ति है। और क्योंकि उसके बाद तुरंत पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही थी और हम लोगों ने इसको डेवलप करते हुए लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो इनको फर्दर किसी और चीज़ को सेल करने का मौका नहीं मिला।
ये इनका जो कहना है कि इन्होंने दूसरे जनपद में भी इसको प्लान किया था कि इस घटना के बाद हम दूसरे जनपद में प्लान करेंगे। उस पर्टिकुलर जो जहां पर चोरी की गई वहां पर उनका ये कहना है कि वो एक आसान टारगेट था, इन दी सेंस कि वहां पे एक्सेस अंदर घुसना बहुत आसान था और क्योंकि वहां के लोकल थे तो आसपास के सभी रास्तों को जानते ही थे, इस तरह से इन्होंने घटना की।